पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों चुनावी संकनाद जो हो चुका है, उसके बाद लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में शंखनाद किए थे चुनावी प्रचार प्रसार का, और आपको बता दें उसके बाद लगातार उन्होंने इशारों इशारों में लालू परिवार पर भी निशाना साध दिया था। राजद पर तो खुल के बोल दिया था कि 2005 से पहले का जो बिहार था वो क्या था और अब का बिहार क्या है, और ऐसे तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार और राजद महागठबंधन पर निशाना साधा था। उसके ऊपर आज लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। चुनाव प्रचार में निकल गए, आज बैठक है दो तीन जगह, पीछे कितने नंबर बात किया, थोड़ा सा माइक 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 पीछे पहले कर लो, सेटल हो जाओ। हां माइक दिखाओ, ये माइक जो है इसको थोड़ा सा थोड़ा पीछे कर लो, माइक पीछे करो, फर्स्ट प्लेयर पीछे करो माइक। अब पूछो मैम, चुनाव प्रचार में निकल रही मैम, पीएम लगातार परिवार बात पर बोल रहे हैं, और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पीछे रखा, पीछे ठीक क्या दिख रहा है, कुछ नहीं देखिए, ये सब मीडिया में चल रहा। कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए, प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले, तो ये मीडिया में परिवारवाद आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया, तो ये बेमाने है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ गई है, और सही समय पर मुझे लगता है कि 40 ये है कि 10 साल की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 400 पार कह रहे हैं, अब जनता देख रही है इसको, बताएगी अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगड़ाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो किसको नौकरी मिली है, किसको नौकरी मिली है, हमने तो बिहार में करके दिखाया है, हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है, 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था, जितने नौजवानों को रोजगार मिला यहाँ पे, रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले, लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती है पाटलिपुत्र में, क्या किया है, जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में किया क्या है, एक 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 अपनी उपलब्धि तो गिना दे, मुझे क्या गिना दे, जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक, एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से मीसा भारती ने सीधे कह दिया कि 40 पे 40 सीट कैसे जीतेंगे, जो पुराने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं, जमुई के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, परिवारवाद का जो इल्ज़ाम लालू परिवार पे लगता रहता है तो क्या अब वो परिवारवाद नहीं कर रहे, क्या उन्होंने किसी भी परिवारवाद वाले सदस्य को टिकट नहीं दी, और क्या जिस तरीके से वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है आगे इसीलिए जनता उनको 40 में से 40 सीटों पर जिताएगी, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ गई थी मीसा भारती और सीधे तौर पे कह दिया है कि इस बार जनता मुद्दों पे वोट देगी। अब देखना होगा इस बयान के बाद आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।